हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? फ्रेंड्स, आज मैं एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए एक बहुत ही इजी सॉन्ग लेके आया हूँ माउथ ऑर्गन पे, जो आप 5 मिनट के अंदर सीख सकते हैं बजाना। जनरली जो एब्सोल्यूट बिगनर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि वो भी कुछ गाने बजा सकें, तो मैं आज एक सिंपल गाना लेके आया हूँ एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए। जनरली सॉन्ग अगर मिडिल ऑक्टेव में हो, 9 से लेकर 16 के बीच में, जहाँ आप सरगम बजाते हैं मिडिल ऑक्टेव का, तो गाना बजाना बहुत ईजी होता है। और जब आपको लोअर ऑक्टेव हायर ऑक्टेव में जाना पड़ता है तो थोड़ा सा गाना डिफिकल्ट होता है। तो आज मैं ऐसा गाना लेके आया हूँ जो आपको मिडिल ऑक्टेव में ही आपका गाना बज जाएगा। बस एक बार आपको लोअर ऑक्टेव में आना पड़ेगा, ठीक है, बस एक जगह, बाकी आप पूरा गाना आपका ये मिडिल ऑक्टेव 9 से लेकर 16 के बीच में जो होल्स हैं उसके अंदर बज जाएगा, ठीक है। और बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत ही पॉपुलर गाना भी है। तो मैं चाहता हूँ आप इस गाने को सीखें और आप सबको खुश करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने दोस्तों को। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं फिर भी आप इसे सीख सकते हैं, ठीक है। तो गाना है, बड़ो लोकेर बेटी लो लम्बा लम्बा चूल, एमन माथा बेधे देवो लाल गेंदा फूल। बड़ो लोकेर बेटी लो लम्बा लम्बा चूल, एमन माथा बेधे देवो लाल गेंदा फूल। इस गाने में स्लाइडर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए गाना और भी सिंपल है। कोई भी माउथ ऑर्गन में आप बजा सकते हैं, अगर आपके पास टावर है बजा सकते हैं, अगर आपके पास ये ट्रेमोलो है, बहुत लोगों के पास ये ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन होता है 24 होल्स का, इसमें भी आप बजा सकते हैं, या कोई भी माउथ ऑर्गन पे आप इसे बजा सकते हैं, ठीक है। पहले मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, फिर आपको इसका लेसन देता हूँ। ठीक है, शुरू करता हूँ लेसन। देखिए, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा ताकि आप 5 मिनट के अंदर सीख जाएं। ये देखिए, यहाँ पे लिरिक्स दिया हुआ है, यहाँ पे होल नंबर्स दिए हुए हैं जो आपको बजाने हैं। के मतलब आपको खींचना है, आपको ड्रॉ करना है, और पी मतलब आपको फूकना है, आपको ब्लो करना है। के मीन्स यू हैव टू ड्रॉ एंड पी मीन्स यू हैव टू ब्लो। यहाँ पे सरगम में नोटेशन दिया हुआ है, जो थोड़ा सा एडवांस प्लेयर हो गए हैं, जो सरगम बजाना सीख गए हैं वो इस नोटेशन को देख के बजा सकते हैं, और जिन्होंने सरगम अभी नहीं सीखा है, जिन्होंने माउथ ऑर्गन जस्ट पकड़ा है, वो इस होल नंबर को देखकर बजा सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते हैं कि माउथ ऑर्गन कैसे पकड़ना है, जिस तरफ स्लाइडर होता है उसे आपको राइट साइड रखना है, और अगर आपके पास स्लाइडर वाला माउथ ऑर्गन है तो आपको स्लाइडर जिधर है उसे राइट साइड रखना है, और लेफ्ट हैंड साइड से आपको होल्स काउंट करने शुरू करने हैं। ये एक नंबर होल है एकदम फर्स्ट वाला, और फिर 2, 3, 4 करते थे, ये लास्ट वाला 24 होल्स है, ठीक है। अगर आपके पास ये ट्रेमोलो माउथ ऑर्गन है तो जिस तरफ देखिए सी लिखा हुआ होता है, ठीक है, सी, उधर देखिए मोटा आवाज निकलेगा, ठीक है, तो इसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, और जिधर पतली आवाज निकलती है उधर आपको राइट साइड रखना है। सी जिधर लिखा हुआ है उधर आपको लेफ्ट साइड रखना है, यानी कि मोटी आवाज़, अगर सी नहीं भी लिखा है तो दिख ले, आपको देखना है कि मोटी आवाज़ कहाँ निकलती है। अगर फर्स्ट होल में बजाइए, अगर मोटी आवाज़ निकलती है तो इसे लेफ्ट साइड रखना है, और पतली आवाज़ जहाँ निकलेगी उसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, ठीक है। तो अब आपको इसी तरह से होल नंबर काउंट करना शुरू करना है। देखिए, तो बोरो लोके बेटी लोग, बोरो के लिए आपको 10 और 11 बजाना है, 10 और 11 होल में आपको यूज़ करना है, 10 में आपको खींचना है और 11 में आपको फूकना है, तो बोरो निकल जाएगा। लोके 11 11 होल में 2 बार आपको फूकना है। बेटी लो 10 11 10 9, 10 में खींचना है, 11 में फूकना है, 10 में फिर खींचना है, 9 में फूकना है, ठीक है। देखिए, मैं आपको बहुत स्लो में बजा रहा हूँ। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर्स हैं, आप अपना पहला गाना बजाना चाहते हैं, तो आप इसे देख के बजा सकते हैं। देखिए, 11 नंबर होल पे मैंने काउंट कर लिया, यहाँ पे है, यहाँ में देखिए, सॉरी 10 नंबर होल में मैंने काउंट कर लिया, यहाँ पे 10 नंबर होल है। अब उसे यहाँ पे रख के आपको खींचना है और फिर ब्लो करना है 11 नंबर होल में, तो बोरो निकल जाएगा। देखिए, स्लो में मैं बजाता हूँ, बोरो लोकेर बेटी लो, टेन इलेवन इलेवन इलेवन, टेन इलेवन टेन नाइन। फिर से देखिए स्लो में, बोरो लोकेर बेटी लो, पहला लाइन, सेकेंड लाइन, लम्बा लम्बा चूल, लम्बा लम्बा, टेन इलेवन
इलेवन इलेवन, पहला लंबा के लिए टेन इलेवन आपको बजाना है, टेन में खींचना है, इलेवन में फूकना है, सेकंड लंबा के लिए इलेवन में दो बार आपको फूकना है, और चूल के लिए टेन इलेवन टेन नाइन। देखिए स्लो में, लंबा लंबा चूल, ठीक है, फिर से स्लो में देखिए, लंबा लंबा चूल, पहले आप स्लो बजाइए फिर फास्ट बजाइएगा, ठीक है। थर्ड, एमोन माथा बेधे देवो लाल गेंदा फूल, एमोन माथा है बेधे देवो, एमोन सिक्स सिक्स दो बार आपको खींचना है, माथा है नाइन नाइन में दो बार फूकना है, बेधे टेन टेन में दो बार आपको खींचना है, देवो इलेवन और ट्वेल्व, इलेवन में फूकना है ट्वेल्व में खींचना है। देखिए ये बस एक जगह आपको लोअर ऑक्टेव में आना है सिक्स में, बाकी सब आपका नाइन से लेकर सिक्सटीन में बच जाता है होल में, ठीक है। एमोन माथा है बेधे देवो, सिक्स सिक्स नाइन नाइन टेन टेन इलेवन ट्वेल्व, एमोन माथा है बेधे देवो, फिर से स्लो में, सिक्स सिक्स नाइन नाइन टेन टेन, सॉरी फिर देखिए, ठीक है, लास्ट टाइम, लास्ट वाला इलेवन ट्वेल्व देवो, लास्ट लाइन लाल गेंदा फूल, लाल के लिए इलेवन टेन, इलेवन में फूकना है टेन में खींचना है, बेधे लाल गेंदा गेंदा टेन में दो बार आपको खींचना है, और फिर फूल के लिए टेन में ही आपको फिर से खींचना है। तो देखिए लाल गेंदा फूल इलेवन टेन 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 टेन, फास्ट बजाएंगे तो एक साथ किस तरह बजेगा, ठीक है। अगर आपके पास ट्रेमोलो है मैं आपको ट्रेमोलो में ही बजा के दिखा देता हूं, देखिए, आप इफेक्ट देके ही बजा सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे सीख लीजिए जैसा मैंने बताया है, अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर्स भी हैं तो आप पांच मिनट में इसे सीख सकते हैं, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, बाय बाय।